हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। सो आज हम डिस्कस करने वाले सब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी, जो कि मैं एक छोटा सा ओवरव्यू लास्ट वीडियो में दे चुकी थी स्टार्टिंग में, बट अभी मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके, मतलब ब्रीफली थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूं ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेसिकली सब्जेक्टिव से मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब थोड़ा सा आइडिया तो आ ही रहा होगा ना माइंड में कि सब्जेक्टिव मतलब कि लाइक कुछ अजम्पशन क्रिएट करना, राइट? कुछ अपने ही बेसिस पे, मतलब कुछ सब्जेक्ट जैसे हम पेपर नहीं देते थे सब्जेक्टिव हो रहा है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वहां पे सब्जेक्टिव मतलब क्या आता था थोड़ा, मतलब मेरे को तो ऐसे याद हुआ है कि कुछ पैराग्राफ में मतलब खुद से लिखना जो विदाउट ऑप्शन वाला हो, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब थोड़ा इसी से रिलेट करते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या होता है कि कुछ अपनी तरफ से ही अजम्पशन बनाना, ठीक है, और उसी पे बेस्ड सामने वाले का मतलब रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग बता देना, ठीक है? जैसे सपोज आज बारिश का मौसम हो रहा है, ठीक है, और मैं बोल सकती हूँ कि इट मे रेन और नॉट, बट चांसेस कितने बोल रही हूँ मैं कि 70% है आज बारिश आने के चांसेस, ठीक है? तो जो मैंने 70% चांसेस बोला है, ठीक है, तो वो भी क्या है हमारे की प्रोबेबिलिटी बताई मैंने 70%, ठीक है? तो इसमें क्या है कि मैंने एक खुद से ही अजम्पशन क्रिएट कर ली कि हाँ ये हो सकता है। और जैसे और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इससे बेस्ड, जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो कोई बोल सकता है कि इंडिया जीतेगा, या फिर सपोज दो कंट्री का क्रिकेट मैच चल रहा है, सपोज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया जीत सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीत रहे हैं, बट इसमें चांसेस तो कुछ होंगे, मतलब इंडिया कितने परसेंट चांसेस है या फिर ऑस्ट्रेलिया कितने परसेंट चांसेस है। तो इंडिया के सपोज यहाँ पे 90% चांसेस ले लो आप, ठीक है, तो जो मैंने 90% चांस बोला तो वो भी हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी, बस उसको डिफाइन कर दिया है एज अ सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो हम खुद से ही मतलब एक अजम्पशन क्रिएट कर रहे हैं, खुद से ही हम बता रहे हैं, मतलब अपने ही बेस मेरा एक इंडिविजुअली ओपिनियन है ये वाला, ठीक है, जो मैंने आपसे बताया। तो ये मतलब ऐसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो अपने अकॉर्डिंग, जैसे नॉर्मली कि हाँ वहां से बारिश जाने में इतना फेयर लग जाएगा, या फिर इतना, मतलब ये जो होते हैं इसी टाइप की, मतलब जो बातें होती है वो हमारी इसमें आती है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में, ठीक है? तो आई थिंक इतना ही था इसमें सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में, और अगर आपको कोई डाउट वगैरह लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।